मानो जी मैं बोलूं। बोले बोले। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम मैंने बापू की तस्वीर लगा रखी है अपनी शॉप पे, तो इसी के कारण कई लोग आपको बोलते हैं, तो मैं उनको कई उनको जवाब जो देता हूँ वो जवाब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस ढंग से मैं जवाब देता हूँ बिल्कुल उनको। बोलिए। जवाब मैं इस ढंग से देना चाहता हूँ कि उनको पूछता हूँ कि बापू जी की उम्र है 85-80 साल, 74 साल में उनको गिरफ्तार कराया, जी तो आप बताओ कि आपके परिवार में अगर इस उम्र का व्यक्ति करे तो जी वो सोचेगा कि मेरे पीछे मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा संसार है, वो क्या ऐसा नहीं सोचेगा क्या? नहीं, तो उनको मैं ये पूछता हूँ कि आपके परिवार में ऐसा कोई आपके पिताजी करते तो क्या ऐसा सोचेगा? आपके घर में आपकी बहू है, ये है, आपका बच्चा है, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं पहले बताओ, बिल्कुल तो जवाब देना। मैं वो फिर चुप हो जाती है मेरे सामने। लेकिन अगर बापू जी आपके परिवार में तो 200-500 हजार लोग आए परिवार में ज्यादा से ज्यादा, पर बापू जी को तो लाखों करोड़ों साधक है, तो उनकी जी पूजा करते हैं, तो क्या बापू जी इतने बड़े संत है ऐसे जो ऐसा करेंगे? ये कैसे सोचने वाली घटिया हरकत है जो हिंदू उनकी तुम्हारी? बिल्कुल तो मैं उनको ऐसे इस तरह से उनको जवाब देता तो मेरे सामने चुप हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे जवाब देने मैंने के। जी हाँ, मैं उनको बोलता हूँ कि आपको आपकी इज्जत प्यारी है, आप एक लड़की को छेड़ के दिखा दो, आप छेड़ के दिखा दो तो मैं मान लू कि बापू जी गलत है। जी मतलब आप ये कर सकते हो तो बापू जी इतने बड़े संत होकर ऐसा करेंगे? इतने मूर्खों जैसा काम करेंगे क्या? आपके जैसे ज्यादा काम करेंगे ज्यादा क्या? घटिया करेंगे क्या? बिल्कुल हमारे बापू इतने महान है, इतने पूजनीय है, आदरणीय है, कि मैं बता नहीं सकता। मैं बयान क्या करूं उनके बारे में, उनकी लीला का वर्णन कैसे करूं? तो आप उनके बारे में ऐसा घटिया सोच है आपकी, हिंदू उनकी हिंदू ही हिंदू संतों के बारे में, तो अभी इस सोच को बदलो। बिल्कुल बढ़िया। तो मैं उनको ये बातें बताता हूँ, जो भी अगर कोई ऐसा आता है मेरे सामने इतनी भेजबाजी करता है, तो मेरी बिल्कुल कोशिश से यही रहती है। बिल्कुल नहीं, ये तो जवाब ऐसे देने ही चाहिए। और हम भी एक स्कूल में गए थे, अपना जी पाचोरा के अंदर वर्ल्ड स्कूल है उसके अंदर गए थे, वहाँ पे जी पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम का ये था, तो प्रिंसिपल से हम परमिशन लेने के लिए गए, हम तुलसी पूजन के लिए गए थे, तो उन्होंने जी भी यही कहा कि बापूजी तो जेल में है, और जी अभी क्या आप लोग संभालते हो? मैं बोला हम कुछ नहीं संभालते, आज भी हमारे बापूजी दबंग है, वो वहीं से सब कुछ संभालते। वाह तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आप एक एक क्लास करके लीजिए। फिर मैं एक क्लास में गया, उसके बाद उन्होंने सब क्लास को एक जगह पे जमा करके वो कार्यक्रम करवाया, और कार्यक्रम पूरा होने के बाद में हमको भी ज्यादा इतना नहीं बोलना पड़ा जितना उन्होंने अच्छा तरह से बोलना लग गए।